अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं आलू मटर पुलाव, जिसे हम बनाएंगे प्रेशर कुकर में। तो ये बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है और खाने में बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो फ्रेंड्स, मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने सबसे पहले रख दिया है प्रेशर कुकर गर्म होने के लिए। प्रेशर कुकर जैसे ही अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा, इसमें हम ऐड कर देंगे ऑयल। यहाँ पर मैं 4 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो 1-2 चम्मच ऑयल की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं 1 चम्मच देसी घी ऐड करूँगी, जिससे पुलाव में बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। इसलिए यहाँ पे मैंने 4 चम्मच तेल लिया है। और तेल जैसे ही अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा, यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है घी। और जब दोनों चीज़ें अच्छी तरह से गर्म हो जाएंगी, तो हम डाल देंगे गर्म मसाला। यहाँ पर मैंने ले ली है 1 बड़ी इलायची, 8-9 काली मिर्च, 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 1 चम्मच ज़ीरा, 2 सफ़ेद इलायची, 1 तेज़पत्ता और 4-5 लौंग। इन सारी चीज़ों को हम गरम तेल में डाल देंगे, इससे बहुत अच्छी खुशबू मसालों की आ जाएगी। और इसके बाद यहाँ पे मैंने डाल दी है 2 प्याज, मीडियम साइज़ की प्याज, जिसे मैंने बारीक काट लिया है। प्याज को हम बहुत ज़्यादा लाल नहीं करेंगे, बस इसको हमको हल्का सा गुलाबी करना है, या उसका कच्चापन चला जाए उसको ऐसा ही रखना है। तो ये देखिए, हमारी प्याज जो है हल्की गुलाबी हो गई है, बस हमको इससे ज़्यादा लाल नहीं करना है अब। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1 इंच का अदरक का टुकड़ा, जिसे मैंने अच्छी तरह से कद्दूकश कर लिया है। और इसे डालने के बाद हम हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से भूनते रहेंगे, वरना अदरक जो है नीचे चिपकने लगेगा। और मैंने 3 हरी मिर्च ली है, जिसे मैंने बीच में से सिर्फ ऐसे स्लिट लगा दिया था। आपको अगर ज़्यादा स्पाइसी पसंद है, तो आप हरी मिर्ची की क्वान्टिटी बढ़ा सकते हैं। हाई फ्लेम पर इसे भूनने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है टमाटर। यहाँ पर मैंने 1 बड़े साइज़ का टमाटर लिया था, जिसके मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं, और उसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। और अब मैंने डाल दिया है 1 गाजर, और उसके बाद हम इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। गाजर डालने के बाद मैंने यहाँ पे 4 आलू लिए थे मीडियम साइज़ के, उसके बीच में से 2 टुकड़े कर लिए हैं। और 1 कप हरा वटाना लिया है। यह डालकर हम सारी चीज़ों को हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से भून लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर मैं 1 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ, लेकिन नमक बाद में मुझे थोड़ा कम लगा, तो मैंने यहाँ पर 1/2 चम्मच नमक और ऐड कर दिया है। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब यहाँ पर मैंने डाला है 1/2 चम्मच गर्म मसाला पाउडर, और उसके बाद 1/2 चम्मच उसमें हम डालेंगे धनिया पाउडर, और मैंने 1/2 चम्मच बिरयानी मसाला भी ऐड किया है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास घर पे अवेलेबल है तो आप ऐड करें, वरना हमारा पुलाव वैसे भी बहुत मज़ेदार बनेगा। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद हम अच्छी तरह से मिला लेंगे, और ये जब तक भून रहा है, हम अपना चावल जो है वो रेडी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 3 कप चावल लिया था, जिसे मैंने अच्छी तरह से धुलकर भिगा दिया है। जितना वक्त हमें चावल को धोकर भिगाने में के लिए लगा, उतनी देर के लिए हमने अपने मसालों को ढक दिया था। तो ये देखिए, टमाटर भी बहुत अच्छी तरह से गल गया है, और सारे मसाले जो हैं वो भून गए हैं, ऑयल इसमें से सेपरेट हो गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे खुशबू के लिए हरा धनिया और पुदीना। तो ये मैंने दोनों भी 1/2 चम्मच या 1/2 कप लिया है, आप इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके बाद इसमें मैंने डाल दिया है चावल, और चावल को हम डालने के बाद उसे अच्छी तरह से हाई फ्लेम पर एक बार भून लेंगे। हम फौरन इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे, थोड़ी देर हम इसे भूनने के बाद 1 चम्मच यहाँ पर ऐड कर देंगे देसी घी, और उसे अब हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से भूनेंगे। बस हम ज़्यादा इस बात का ध्यान रखें कि हम बहुत ज़्यादा चम्मच को चलाएं नहीं, तो हमारे चावल जो क्या होंगे, टूटने लग जाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हाई फ्लेम पे हमने अच्छी तरह से भून लिया है। अब यहाँ पे मैंने 3 कप चावल के लिए मैंने लिया है 3 ग्लास पानी। ये मेज़रमेंट बिल्कुल परफेक्ट है। आप क्या करें, पानी डालने के बाद सारी चीज़ों को एक बार अच्छी तरह से मिला दें। मिलाने से क्या होगा कि आलू और मटर जो है हर जगह मिल जाएंगे, वरना एक जगह वो जमा हो जाते हैं। इसके बाद हम अपने प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे और हाई फ्लेम पर 2 सीटी आने देंगे, और उसके बाद हम प्रेशर का जो गैस का फ्लेम है वो 5 मिनट के लिए कम कर देंगे। तब तक हम करते हैं सलाद की तैयारी। तो यहाँ पे मैंने ले ली है प्याज, टमाटर, ककड़ी, हरा धनिया, पुदीना। आप अपनी पसंद से और भी कुछ ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद मैंने 1 कप भर के इसमें दही ऐड कर दिया है, और सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिला देंगे। अगर आपको पसंद है तो यहाँ पे आप थोड़ा सा भुना हुआ ज़ीरा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने सिर्फ काला नमक ऐड किया था, और सारी चीज़ों को मिला के रख दिया है। देखिए, जब तक हमारा कुकर जो है उसमें से भी प्रेशर रिलीज़ हो गया है, अब हम चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, हमारा बहुत ही खुशबूदार पुलाव तैयार हो गया है। चावल भी बहुत अच्छी तरह से पक गए हैं, और हमारे पुलाव में से खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो फ्रेंड्स, चलिए बस अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये पुलाव खाने में बहुत ही मज़ेदार है और बहुत झटपट बन जाता है। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। अल्लाह हाफिज़।